नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। पक्षियों को खाने में हमें क्या देना चाहिए और उनका थोड़ा घर किस तरीके का होना चाहिए, इंटरनल कैसे हम अपने बर्ड्स का एक घर बना सकते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि हमने जो बर्ड्स को रखा हुआ है, आप ये देखेंगे कि इसमें हमने जो है बर्ड्स को पार्टीशन करके रखा हुआ है। यानी यदि आपको नज़र आ रहा होगा, आप देखेंगे कि हमारे बर्ड्स का हमने इसको फट्टियों से पार्टीशन करके इनके छोटे छोटे जो है अंदर घर बनाए हुए हैं। कुछ बर्ड्स इसमें हमारे स्टेम नीचे हैं, बाकी जो है सामने आप देखेंगे कि एक एक पार्टीशन के ऊपर एक एक घर के अंदर एक एक मेल बैठा हुआ है। ये मोस्टली जो है हमारे मोस्टली इसमें मेल्स हैं, यानी इसमें हमारा ब्रीडिंग का कोई पेयर नहीं है, क्योंकि अभी हमने अपनी थोड़ा सा ब्रीडिंग बंद की हुई है। इसमें हमने जो है सभी मेल्स को एक साथ रखा हुआ है, इसमें कोई भी फीमेल्स नहीं है। जब हमारी ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, तब हम जो है हमारी जो फीमेल है वो नेक्स्ट वाले केज के अंदर है, तो वहाँ से हम मेल और फीमेल के पेयर जो है तीसरे वाले केज में जा करके उनकी ब्रीडिंग के लिए उनको अलग से बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस दौरान हमें क्या क्या ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि हम अपने बर्ड्स का इसमें विशेष ध्यान रखते हैं। देखिए, बर्ड्स का तो एक जो हम ये ध्यान रखते हैं कि बर्ड्स को जो है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी हम इन बर्ड्स को रेगुलर खाने के अंदर क्या है, एक तो जो दाना है इस टाइम हम इनको जो सीड्स दे रहे हैं वो इस टाइम मिक्स सीड्स हम इनकी डाइट में दे रहे हैं। मिक्स सीड्स में क्या है, चना, गेहूं, बाजरा, मक्का, सरसों, ये सब चीज़ें जो हैं हम इन बर्ड्स की डाइट में ऐड करके दे रहे हैं। दूसरा, इनकी डाइट में कैल्शियम ग्रैन्यूल्स, यानी आप जिसको ज़ीरो नंबर मार्बल बोलते हैं, वो भी हमने इनकी डाइट में एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। एक बाउल के अंदर जो है हमने फीड के साथ इसको एक्स्ट्रा कैल्शियम के ग्रेट्स दिए हैं, क्योंकि बर्ड्स अक्सर क्या करता है, बर्ड्स का डाइजेशन किस तरह का होता है, बर्ड्स दाना खाने के बाद जो है हमेशा कंकड़ पत्थर खाता है, तो ऑटोमेटिक उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उनको कंकड़ पत्थर खाना पड़ता है। तो उस कंकड़ पत्थर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको इंटरनली इन हाउसेज में नहीं मिलती है, तो हमने उसके लिए कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स दे दिए हैं। बर्ड्स अक्सर दाना खाने के बाद उसमें से कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स खाता है, दाना तो डाइजेस्ट होता ही है। दूसरा, वो जब बॉडी में जा करके जो कैल्शियम मार्बल है जीरो नंबर का, वो जो है कैल्शियम की पूर्ति उसके शरीर में करता है, जो कि इन बर्ड्स की हड्डियों की मजबूती के लिए इनके पंखों के अंदर जान जाता है, जो कि उड़ने में इनके काफ़ी मदद करता है। हम इनको जो है रेगुलर महीने में हमने अपने बर्ड्स के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, डिवॉर्मिंग हम इनके 3 महीने में एक बार कर रहे हैं। उसके साथ साथ यदि 1 महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो हमने बर्ड्स का एक एक वीक जो है एक एक हफ्ते में बर्ड्स को मेडिसिन डिवाइड की हुई है। उन मेडिसिन देने का पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ये जो मेडिसन्स हैं एज ए प्रिवेंटिव तौर पर हैं कि हमारे बर्ड्स बीमार तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बीमार ना हो उसके बचाव के लिए एक स्मॉल डोज हम अपने बर्ड्स को देते हैं। हम पहले जो हफ्ते में देते हैं महीने के अंदर, वो हम इनको कैल्शियम सिरप देते हैं, यानी 1 से 7 तारीख तक हम इनको कैल्शियम देते हैं, 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में हम डोज देते हैं। 8 तारीख से जो है 15 तारीख तक हम इनको मल्टीपल विटामिन सिरप देते हैं। मल्टीपल विटामिन सिरप में जो है हम अपने बर्ड्स को प्रेफर करते हैं, वो विमरॉल सिरप होता है। 3 ml 1 लीटर पानी में हम विमरॉल डोज रखते हैं। 15 से 22 तारीख तक हम अपने बर्ड्स को जो है लिवर टॉनिक देते हैं, यानी इसमें ब्रोटोन सिरप और लीव 52 हमारे पास चॉइस है कि जौन सा भी हम अवेलेबल होता है, 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से हम अपने बर्ड्स को देते हैं। ये जो सभी डोजेज हैं ये प्रिवेंटिव डोजेज हैं, यानी हमारे बर्ड्स बीमार नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर बीमार ना हो उससे बचने के लिए हम एज ए प्रिवेंटिव तौर पर हमने बर्ड्स को पीने के पानी में देते हैं, ताकि इन फ्यूचर में ही हमेशा ठीक बने रहें। 4th जो वीक होता है, जिसमें हम अपने बर्ड्स को जो है एक एंटीबायोटिक देते हैं। हालांकि बर्ड्स बीमार नहीं हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन्स होते हैं कि बर्ड्स उन सिम्टम्स को शो नहीं करता है, यानी हल्का फुल्का इन्फेक्शन बर्ड्स में हमेशा होता ही होता है। तो उसके लिए जो है हम एक एंटीबायोटिक का हल्का सा कोर्स जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट के जो है आप ये मान के चलिए 7 डेज तक हम उसको टेट्रासाइक्लिन 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में हम अपने बर्ड्स को देते हैं, ताकि बर्ड्स के अंदर कोई इन्फेक्शन ऐसा है जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, या बर्ड्स कंटिन्यू स्ट्रेस में रह रहा है, या बर्ड्स किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे क्राउडिंग होती है, बर्ड्स क्या है, एक बर्ड्स बीमार होता है तो ऑटोमेटिक वो सारे बर्ड्स में इन्फेक्शन कर देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए
कि इस तरह की कोई समस्या ना आए, हम अपने बर्ड्स को पहले ही बीमारी से बचाव के लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर देते हैं ताकि हमारे बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी बने रहें। और इस कोर्स को हम पूरे महीने भर रिपीट करते हैं, और इसी कोर्स की बदौलत मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हमारे बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। यानी बीमारी से बचाव का जो कोर्स है, हम इसको पूरे साल भर इसको फॉलोअप करते रहते हैं, तो पूरे साल भर में ऐसी कोई परेशानी नहीं आती कि हमारे बर्ड्स को कभी कोई ब्रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनका स्टेमिना हमेशा इंक्रीज रहता है, उनकी इम्यूनिटी पावर हमेशा बूस्टअप रहती है। तो ये जो एक मेडिसिंस का कोर्स है, यदि आप भी अपने बर्ड्स का एक नॉर्मल रूटीन में यदि आप करते रहेंगे, तो आप ये मान के चले कि आपके बर्ड्स हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रखेंगे। इस मेडिसिंस के कोर्स को आप भी अपने बर्ड्स के लिए अप्लाई कीजिए और अपने बर्ड्स को हमेशा हेल्दी रखिए। धन्यवाद।